हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्ट एंड पेपर। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले कुलचे, जो कि पंजाब का फेमस फूड है और अब तो पूरे नॉर्थ में पसंद किया जाता है। छोले कुलचे दिल्ली में स्ट्रीट फूड के रूप में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने यहाँ 2 कप छोलों को ओवरनाइट सोक कर दिया था और मॉर्निंग में उसको वॉश कर लिया है और बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखिए छोले कितने बड़े हो गए हैं। छोलों को बॉईल करने के लिए आपको एक कपड़े में 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती को बांध लेना है, और कुकर में 1 तेज़पत्ता, छोले और ये जो आपने नॉट बनाई है उसको ऐड कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और छोलों से थोड़ा 1 इंच ज़्यादा पानी आए उतना पानी डाल के आपको बॉईल करने के लिए रख देना है। आपको छोलों को कम्प्लीटली बॉईल करना है। अगर आप छोलों को मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं तो 3 to 4 whistles में कम्प्लीटली बॉईल हो जाएंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम हींग ऐड कर देंगे और चॉप्ड अनियंस ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से चला लेंगे। अनियंस को आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको हम 1-2 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे। देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। टमाटर को आप 1-2 मिनट तक पकाइए। मैं यहाँ इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को टमाटर को अच्छे से गलाना नहीं है। ये जो छोले हम बना रहे हैं ये रॉ टेक्सचर में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा कुक करना है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ सारे मसाले, जिसमें सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मसालों को भी हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसको अच्छे से मिला देंगे और फिर इसमें उबले हुए छोले ऐड कर देंगे। यहाँ मैं सारे छोले ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसको स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा मैश करने का भी कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ उबले हुए छोलों का जो पानी बचा था उसको ऐड कर दिया है यहाँ पर। यहाँ मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अब इसमें इमली का जो पल्प हमने निकाल के रखा था उसको ऐड कर देंगे। इमली के पल्प से छोलों में अलग ही टेस्ट आता है, और इसमें थोड़ा काला नमक ऐड किया है। आप जब भी कोई चाट या कोई भी स्ट्रीट फूड बनाते हैं तो आप काला नमक यूज करिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैंने यहाँ छोलों को थोड़ा मैश कर लिया है। बस अब छोलों को थोड़ा कुक करने के लिए छोड़ देंगे और इसमें बाकी जो हमारे छोले बचे हुए थे उनको मैश करके ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस हमारे छोले तैयार हैं। चलिए अब कुलचे भी तैयार कर लेते हैं। कुलचों के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा को छान लिया है। यहाँ मैंने मैदा को इसलिए छाना है क्योंकि अगर कोई लम्स हो तो वो खुल जाए या निकल जाए। अब इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक
और चीनी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दही और 3-4 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। डो तैयार करने के लिए आपको गुनगुना पानी यूज़ करना है, जिससे मैदा को राइज होने में हेल्प मिलेगी। अब इसको पहले हाथ से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसको हथेली की मदद से अच्छे से गूंथ लेना है। जब डो तैयार हो जाएगा तो हम बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसको कवर करके हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे मैदा अच्छे से राइज हो जाएगी। ये देखिए मैदा एकदम तैयार है। चलिए अब कुलचे भी तैयार कर लेते हैं। कुलचे तैयार करने के लिए हम मैदा को इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ 8 पोर्शंस कट किए हैं। अगर आप छोटे कुलचे बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पोर्शंस कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1 पोर्शन ले लिया है और थोड़ी सी मैदा डस्ट की है। अब इसको मैं राउंड शेप में बेल लूँगी। आपको यहाँ कुलचे को ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको थिकनेस भी दिखा देती हूँ इसकी। बस आपको इसको इतना ही थिक रखना है। अब इस पर थोड़ा सा पानी लगा के और कोरिएंडर लीव्स लगा देंगे। अगर आपके पास तिल है तो आप तिल भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे पोर्शंस को बेल लूँगी। अगर आप बेलन का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा ऑयल लगाइए पोर्शन पे और उसको हाथ से बढ़ा लीजिए, ये आसानी से बढ़ जाएगा। कुलचे सेकने के लिए मैं कुलचे को गर्म पैन में डाल दूंगी और उसके चारों तरफ थोड़ा पानी डाल के उसको कवर कर दूंगी और कवर करके 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको सेकना है। अब इसको मैं पलट दूंगी और सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी, फिर से 1-2 मिनट के लिए सेकना है। ये देखिए कुलचा सेककर एकदम तैयार है। ऐसे ही मैं सारे कुलचे सेक लूंगी। ये देखिए सारे कुलचे सेक कर रख लिए हैं मैंने। देखिए इनकी थिकनेस। पर कुलचे हमेशा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो जब भी खाने का मन हो तो इसे बटर के साथ सेक कर छोलों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब घर में कोई भी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो, आप इसको मेन्यू में ज़रूर शामिल करिए। यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाला है। और आप भी मुझे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।